ओह जन्नत पहुंच गया, जन्नत ही जन्नत, ओह जन्नत। अब हम पहुंच गए। आई जो मौसम चल रहा है यहाँ पे सो जाने का मन कर रहा है। और क्या दिखाऊं, और थोड़ा यहाँ पे थोड़ा ये सूरज नहीं पड़ रहा है, इसी वजह से लाइटिंग का प्रॉब्लम थोड़ा हो रहा होगा, पर आप लोग एडजस्ट कर लोगे इतना तो मुझे पता है। और आप जो एडजस्ट कर लेना प्लीज। और हम अभी बहुत सारे चीज करने वाले हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ सोचे हम वहाँ चोटी पे जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पे थोड़ा स्लाइडिंग वगैरह करेंगे सोच रहे से, देखते हैं सक्सेसफुली होता है या नहीं। क्या बोलते हो आप लोग के आशीर्वाद से हम ऐसे कर सकते हैं। भाई मुझको तो बहुत डर लग रहा है। बहुत सारे पिक्चर उठाना है, स्टेटस में डालना है, और आपको इसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं फेसबुक लिंक, और मैं वहाँ पे भी जाके कुछ फोटोज वगैरह शेयर करूँगा, आप लोग जरूर देखना। वहाँ से जाने की इच्छा नहीं हो रहा है, तो अभी हम सुबह से आ रहे हैं, तो अभी तक खाए कुछ नहीं है, तो अभी थोड़ा ब्रेड आमलेट खाएंगे और थोड़ा नाश्ता पानी करेंगे। तो जब स्टैंड लेके आ जाता तो अच्छा होता, हाथ में पकड़ के। तो सोते मेरा चश्मा कहाँ गया, चश्मा, और मेरे फैमिली भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, कहाँ गए, ये रहे। और ये देखिए मेरी सिस्टर है, हाय, वो फिसल जाता अभी, बहुत स्लिपी है, ठीक है, देख के चलना पड़ता है। हम इसको लेके आए हैं, कपड़े लेने पड़ता है, एक बार फिर नीचे सकते, ठीक है। तो हम वहाँ ऊपर चलने के बाद मैं बाकी वीडियो स्टार्ट करूँगा, तो स्टे एंजॉय। सो हेलो फ्रेंड्स, तो हम अभी पापा हैं, ठीक है, ये रोहतांग का, हेलो कर दीजिए, हेलो, ये मनाली का रोहतांग सीन है जो काफी बर्फ में ढका हुआ है, लेकिन यहाँ तक तो आना मुश्किल है, आगे फिर बॉर्डर पुलिस के अंडर में आता है जो कि यहाँ से लद्दाख के लिए रास्ता है, लेकिन वहाँ जाना नामुमकिन है, काफी बर्फ है, यहाँ तक पब्लिक पर्यटक सब आते हैं
और घूम फिर नहीं जाने के लिए यहीं तक आते हैं। आगे दो चार किलोमीटर जा सकते हैं, क्योंकि इसके आगे फिर तो काफी बर्फ है, इतना बर्फ है उसका कई हजार फीट में ढेर लगा हुआ है, वहां जाना मुश्किल है। तो यही है, ये बोल के ये रोहतांग का जो मनाली का रोहतांग सीन के लिए आखिर गुड बाय और यही खत्म करते हैं। और जो ये था यहाँ हमारा पिकनिक जो है यही तक हमारा पिकनिक समाप्त होता है, आगे फिर यहाँ से हमारा शिमला के लिए पिकनिक शुरू होता है। तो ये डे थ्री है मनाली का, तो यहाँ से डे तो शुरू होगा शिमला का, तो एंजॉय करना तो ये एंजॉय कीजिए बर्फ का सीन। और यहाँ से हम लोग शिमला जाएंगे, ये खत्म होता है, यहाँ पिकनिक एंड होता है मनाली का, पिकनिक एंड होता है यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लास्ट स्लाइडिंग करेंगे पापर में यहाँ से नीचे तक। ठीक है, तो ट्राई करते हैं यूट्यूब को, तो एंजॉय कीजिए। यो हेलो गुड मॉर्निंग, और हम अभी निकल रहे हैं शिमला के लिए और मनाली रूम छोड़ रहे हैं, सब चेक आउट चल रहे हैं। और यहाँ पे खत्म होने के बाद शिमला जाएंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा ही सर्दी हो गया मुझे। और जैसे जैसे सुबह में गर्म पानी देता है पर जल्दी गर्म पानी बंद कर दिया, तो ठंडे पानी से ही नहाना पड़ा। तो देखते हैं शिमला क्या हालत है, और वहाँ पे ही हम फूल मचाएंगे। ठीक है, और तो चलते हैं डायरेक्ट शिमला पे, और बीच बीच पर कोई अच्छी अच्छी जगह तो ट्रेकिंग करूँगा और आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा नाश्ता पानी करके जाएंगे। ठीक है, तो हम बोल दें नाश्ता करके डायरेक्ट हम चलेंगे शिमला के लिए। तो बाय।